हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो मैं आपसे बताने वाली हूँ वो आप पूरी वीडियो जरूर से ध्यान से सुनिएगा, तो आप देखेंगे चेहरे पे आपकी कितनी पुरानी पिगमेंटेशन हो या आपके मिलाज़मा हो और हाई पिगमेंटेशन जिसे बोलते हैं वो भी हो, आपके सारे रिमूव आउट हो जाएगी और आपकी झुर्रियाँ की प्रॉब्लम जो आपके फेस में आ चुकी है वो भी आपकी हमेशा के लिए रिमूव आउट हो जाएगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल को ज़रूर से आप प्रेस कर दिया करें। तो देखिएगा, जैसे कि आप ठंडियाँ हैं और ठंडियों का मौसम है बहुत ज़्यादा, तो हमारी स्किन वैसे ही क्लीन एंड क्लियर तो रहती है, क्योंकि जब हम गर्मी में होते हैं बहुत ज़्यादा चेहरे पर स्वेटिंग आती है, स्वेटिंग की वजह से हमारे ओपन पोर्स भी हो जाते हैं। लेकिन अब है विंटर्स, विंटर्स में स्किन साफ सुथरी तो लगती है, लेकिन हमारे साफ सुथरी होने के बाद हमारे चेहरे पर निशान है, दाने हैं या पिगमेंटेशन है, हमारे कुछ भी हो, एकदम स्पॉट्स हमारे फेस पे चमकने लगता है। तो देखिएगा, को भी इतना टाइम नहीं है कि हम अपने फेस की केयर कर सकें और अपने फेस को ग्लोइंग बना सकें। तो आज मैं एक ऐसी ही रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ। पहले आपको कुछ टिप्स दूंगी, वो आपको फॉलो करने हैं अपने। आपको जो है आपको पानी ज़रूर से पीना है। अब देखिएगा, आप जैसे कि बीट रूट आ रहा है और कैरेट आ रहा है, ये हमारी स्किन को यूथफुल बनाएगा। आपके दाग धब्बे हो, आपकी स्किन यूथफुल ना हो, होने लगेगी, आपको उसका जूस ज़रूर से पीना है। अब दो गाजर ले लीजिए, एक हाफ बीट रूट ले लीजिए, उसका आप जूस बना के डेली पीजिए और फिर आप मुझसे फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिए। विटामिन सी का फूड आपको ज़रूर से लेना है। अगर आप धूप में जा रहे हैं या सनलाइट में जा रहे हैं, आप गर्मी हो या सर्दी, सीसी क्रीम ज़रूर से अप्लाई करनी है। घर में बिल्कुल नहीं करनी है सीसी क्रीम अप्लाई, जब आप धूप में जाते हैं ज़रूर से आपको अप्लाई करनी है। दूषण के कारण हमारी स्किन जो है डैमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैंने देखा होगा पिगमेंटेशन होने लगते हैं या अनुवांशिक भी हो सकती है, कई लोगों के जो है प्रेगनेंसी में भी आ जाती है, कई कारण जो है आपकी पिगमेंटेशन के हो सकते हैं। और एक ऐसी चीज़ मैंने आपसे शेयर की है, जो जूस आपसे शेयर किया है और आज मैं लगाने के लिए शेयर कर रही हूँ, वो आपके कितने पुराने से पुराने निशान क्यों ना हो, आपके सारे हमेशा के लिए रिमूव आउट हो जाएंगे। आपके रिंकल की प्रॉब्लम हो, आपके जो है झाइयों की प्रॉब्लम हो, आपकी सारी रिमूव आउट होने वाली है। कांच का बॉयल ले लेना है और फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो लेना होगा वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में इतने अच्छे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो हम कभी हम सोचते हैं कि आम ऑयल है, हेयर ऑयल है, इसको छोड़ दे, तो नहीं गाइस, ये फेस के साथ साथ आपके हेयर को भी प्रमोट करता है। फेस की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम हो, डलनेस हो, सबको दूर कर देता है। बहुत अच्छा बेनिफिशियल ऑयल होता है कोकोनट ऑयल। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने यहाँ पे पैराशूट का जो है ऑयल लिया है, इसके अंदर विटामिन ई होता है और एंटीऑक्सीडेंट जो है गुड़ पाए जाते हैं बहुत अच्छे से। आपके अगर मान लीजिए चेचक के काफ़ी लोगों के निशान रह जाते हैं, जले के निशान हो हमारे फेस में आ गए हो, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। जो मैं रेमेडी आपसे शेयर करने वाले, छोटे से लेकर बड़े तक के लोग, बड़ी एज तक के लोग, ऑल स्किन टाइप वाले लोग, ओपन पोर्स क्यों ना हो, सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रेमेडी को। तो यहाँ पे मैं लूँगी 1 टेबल स्पून ये देखिएगा पैराशूट का ऑयल, ये कुछ इस तरीके का जम चुका है, आपको बिल्कुल भी इसे मेल्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी जो फिंगर्स होते हैं उसमें ही हमें इसे जो है लेना है और बहुत अच्छे से हमारी स्किन को टाइट भी बनाएगा। इस तरीके से 1 टेबल स्पून आप ले लीजिए। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ले लिया। सेकंड खास इंग्रेडिएंट जो है हमारा वो है का घी, और हमें गाय का घी यहाँ पे चाहिए, वो स्किन को बहुत ज़्यादा यूथफुल बना देता है। आपके जले के निशान हो, आपके पिगमेंटेशन के निशान हो, आपके धब्बे हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपके फेस में क्यों ना हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है समर्स के लिए नहीं है ये रेमेडी, ओनली विंटर्स के लिए है। और मैं यहाँ पे जो है 1/2 टेबल स्पून के करीब लूँगी गाय का घी। तो चलेगा, मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। यही हमारा एक लास्ट इंग्रेडिएंट ऐसा है जो हमारी स्किन को यूथफुल बना देगा। जब इसके साथ में गाय का घी मिक्स होता है तो बहुत अच्छे से स्किन को यूथफुल बनाता है, चिकना करता है, इतनी ही डलनेस क्यों ना हो सारी रिमूव आउट कर देते। तो 1/2 टेबल स्पून में इसमें गाय का घी डालूंगी। फ्रेंड्स देखिएगा, ये है गाय का घी और आपको इसी तरह से ले लेना है, क्योंकि अभी विंटर्स है, ये जम चुका है, तो ये दोनों हमें इसी में ही मेल्ट करके मिक्स कर देने हैं अच्छे से। तो चलेगा, मैं इसे डाल देती हूँ इसके अंदर। फ्रेंड्स देखिएगा, इसके अंदर दोनों जो हमने डाले थे इंग्रेडिएंट आ चुके हैं इस तरीके से। अब आपको इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है, ताकि जो गाय का घी है और हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, तभी ये रेमेडी वर्क करेगी। तो आपको अच्छे से इस तरीके से मैश कर देना है, ये देखिएगा इस तरीके से आपको मिक्स करना है, ताकि ये दोनों इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स हो जाए। तो चलेगा, मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इसे, देखिएगा फ्रेंड्स। और ये आप देख सकते हैं, ये आपस में मिक्स होना जो है स्टार्ट हो गए। अब आप इसको बनाकर जो है एक कंटेनर में भरकर भी रख सकते हैं, अपने पॉट के अंदर आप किसी भी उसमें इसे देखिएगा कितने अच्छे से मिक्स हो रही है, भरकर रख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से जो है आपके फेस को एकदम यूथफुल कर देगा। ये देखिएगा बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो रहा है, और इस तरीके से इसमें थोड़ा सा हीट आएगा, जब चलाएंगे आप इसे इसमें आने लगेगा हीट, और ये बहुत अच्छे से जो है मिक्स हो जाएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको जो है बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिएगा, ये जो है ये मेरा क्रीम
बनकर रेडी हो चुका है एज ए मॉइस्चराइजर, आपके नाइट मॉइस्चराइजर की तरह ये काम करेगा, नाइट क्रीम की तरह, नाइट सीरम की तरह आपके स्किन में ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और इतने अच्छे से आपको इसे मेल्ट कर देनी है कि ये थोड़ा लिक्विडी आपका इस टाइप का आपका ये बनकर रेडी हो जाए, ये देखिएगा इस तरीके का। अगर आपके पास में जो है गाय का घी है वही डालिए, अगर नहीं है तो आप दूसरा वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन जो अच्छे से वर्क करेगा वो है गाय वाला घी। और बहुत अच्छे से स्किन को ये अजमाया हुआ नुस्खा है मेरा, मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले मेरे भी बहुत ज़्यादा जो है प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन के निशान हो गए थे फेस में, बहुत ज़्यादा धब्बे हो गए थे मेरे फेस में, तो मैं इसे लगा लेती हूँ। ये बहुत अच्छे से पुराने आपके दाग को, पुराने से पुराने रिंग को और दूर कर देता है, ये देखिएगा। ये अब हमारा ये फ्रेंड्स देखिएगा आपको जो है इस क्रीम में से ये रेडी हो गया है। अब चलिएगा, अब मैं आपको फेस में इसका लगाने का तरीका बताती हूँ। आपको लेना है फिंगर्स में, ये देखिएगा ये फिंगर्स देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, बस आपको लेना है। और ये आपको दोनों हैंड में, अपने इन दोनों हैंड में फिंगर्स में आप देख रहे हैं, ये देखिएगा इतना सा लीजिए और अपने दोनों फिंगर्स में आपको इस तरीके से लेना है, इस तरीके से मैश कीजिए ताकि ये मेल्ट हो जाए। और आपको अपने क्लीन फेस पे, यानी कि जब आप रात को सोने जाते हैं तो अपने पूरे क्लीन फेस पे आपको जो है इसे ऑल ओवर अप्लाई कर लेना है। हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये बटरी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी, ये देखिएगा इस तरीके से। और जिनके भी आईज़ के नीचे प्रॉब्लम है उस पर भी आपको लगाना है, पहले आपको जो है इस तरीके से आपको करना है पूरे फेस में, इस तरीके से आपको लगा लेना है, ये देखिएगा, ये देखिए पहले थोड़े थोड़े इस तरीके से। अब देखिएगा अब आपको पूरे फेस में इसे इस तरीके से अप्लाई करना है, एज अ आपको जो है क्रीम की तरह भी एज अ मसाज करनी है पहले, तो देखिएगा आपको पहले करनी है मसाज इस तरीके से, ये देखिएगा ये आपको जो है ये आप दो फिंगर देख रहे हैं अपने, तो इस तरीके से आपको यहाँ से लेना है और यहाँ से ये देखिएगा इस तरीके से कीजिए तो हमारी जो है स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। अब देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है टाइट होनी स्टार्ट हो गई है। जिन लोगों के भी रिंकल्स की प्रॉब्लम है और उनके फेस में जो है ये लटक गई है उसके लिए मैं बता रही हूँ, ये देखिएगा सेकंड आपको इस तरीके से करना है। अगर आपके मलाजमा है या पिगमेंटेशन है तो बहुत सुखे जो होता है ये एरिया होता है, इस तरीके से आप लीजिए, ये देखिएगा इस तरीके से आपको कर लेना है, ये पूरे आपको फेस में ऑल ओवर फेस में इसे इस तरीके से अप्लाई करना है। और आइज एरिया जिनके भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है इस तरीके से आप कीजिए, ये देखिए। और डार्क सर्कल के लिए आप इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक यानी कि हल्दी, आप जो होती है हल्दी वो आप इसमें चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। हमारे जो आईज के नीचे डार्कनेस होती है सिर्फ डार्कनेस पे ही लगानी है, अगर आप इसमें हल्दी डाले हैं सिर्फ डार्कनेस पे ही इस्तेमाल कीजिए, पूरे फेस में आप हल्दी का इस्तेमाल ना करें। और डार्कनेस वाले एरिया में इस तरीके से जब रात को आप सोते हैं अप्लाई कर लेनी है, ये देखिएगा इस तरीके से। और ये देखिएगा इस तरीके से आप जो है पूरे फेस में रिंकल वाले लोग इस तरीके से अप्लाई करें, और मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया जिन लोगों के भी झाइयाँ हैं वो किस तरीके से अप्लाई करें, इस तरीके से कीजिएगा, ये देखिएगा इस तरीके से आपको कर लेनी है। बहुत अच्छे से हमारी स्किन को जो है एकदम टाइट भी कर देगी और आपके चेहरे को बेदाग और गोरा बनाएगी, ये देखिएगा कितने अच्छे से मेरी स्किन को इसने शाइन दे दी है, ये देखिएगा बिल्कुल भी ड्राइनेस आपके फेस में नहीं रहेगी, बहुत अच्छे से आपका फेस जो है चमक मारेगा। और आपको इसे जो है डेली नाइट में लगाना है, दिन में आपको बिल्कुल नहीं लगाना, आप जो चाहें तो इस तरीके से अगर आपका जो बस्ता है आप थोड़ा सा ले लीजिए और अपने हैंड की फिंगर्स पे इस तरीके से एज ए मॉइस्चराइजर की तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये स्किन को जो है वर्क करता है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। देखिएगा जो हैंड है वो कितना ज़्यादा जो है एकदम ब्राइटनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा चमक आ गई है, इस तरीके से आपको डेली नाइट में करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर